नमस्कार मेरे सभी प्यारे किसान साथियों को, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित। दोस्तों, आज भी कई दिनों के बाद जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ, और कई किसान भाई बोलते हैं कि आप जो है वीडियो नहीं बनाते, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो है अभी काम है उनमें ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, जिसकी वजह से वीडियो लेट होती रहती है। लेकिन चलो, टाइम निकाल कर जो आपके लिए वीडियो बनाने लगूँ, हट के दोबारे से वीडियो आती रहेगी। हफ्ते में 1 वीक में एक वीडियो आती रहेगी आपके पास। तो किसान भाइयों, आज जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो ये है कि जो गर्मी है वो लगातार भयंकर रूप से जो है पड़ी हुई है, और इस गर्मी में जो है जो पपरल का पेड़ है उसको जो है पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। जिन किसान भाइयों के पास जो है पानी का साधन नहीं है, उनको बहुत परेशानी होगी पपरल खेती करने में। जैसा कि इतनी जो बा भी बरसात नहीं पड़ी है, और जो लगभग 7 डे में या 8 डे में या 10 डे में, तो लगभग वैसे तो 7 डे का टाइम, 7 डे में तो एक बार पानी ज़रूर चाहिए पपरल के प्लॉट को। ये देख सकते हो आप, ये देखो किसान भाइयों, ये हमारे पपरल के पेड़ हैं जो हमने 13x7 पर वो लगाए हुए हैं, और इनकी जो ग्रोथ है हम इनमें 10 दिन में जो है पानी वो एक बार दे रहे हैं। और आप देख सकते हो 13x7 पर लगे हुए पेड़ हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो कितनी शानदार, वो यहाँ पर मोटाई वो ले रहे हैं। सभी पेड़ आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक जो है अच्छी ग्रोथ, जैसी इनकी वो कहते हैं दूरी रखी गई है उस हिसाब से, तो इनकी जो ग्रोथ है वो सामान्य से बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी ग्रोथ ये कर रहे हैं। टारगेट है कि इनको हम अगले साल 2.5 वर्ष के हो जाएं या 3 वर्ष के हो जाएं इनको हम कटवाएंगे, बाउंड्री कोर छोड़कर बाकी हम प्लॉट कोर जो है कटवाने की वह जो अच्छा मार्केट रेट रहा, क्योंकि हम इसमें जो दोबारे से है वो सब्जी लगा कर दोबारे से पपरल लगा देंगे, क्योंकि जो है 3 साल में अच्छा मार्केट का पपरल का रेट वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ किसान भाइयों के जो है पपरल के पेड़ उनमें जो पीले पत्ते की संभावनाएँ वो बनी हुई हैं, आप जो है पॉपुलर के पेड़ पर जो है पत्ते पीले ना होने दें। जब भी पीले पत्ते हो जाएं तो सबसे ज़्यादा जो कारण इस टाइम है वो खुश्की है। इसका मतलब है कि जो आपके पेड़ हैं उनमें खुश्की बनी हुई है, तो पानी आप टाइम टू टाइम देते रहें। और जो पहले साल के पॉपुलर के पेड़ हैं उनमें किसान भाइयों आप जो है पानी का मेंटेन रखें, ना ज़्यादा दें ना कम दें, अच्छी तरीके से पानी देते रहें। और जो है खाद में जो है कारटेप डिमक की दवाई जो है उसमें शुरू में यूज हमेशा करें, क्योंकि जो डिमक है वो लगने की संभावनाएँ पहले साल वो ज़्यादा रहती हैं। तो अभी हम जो खाद की बात बता दें कि जो है हमने अब कौन सा खाद डाला है, देख सकते हो आप, इसमें हमने जो है इसमें हरा चारा वो बो रखा है, यानी अच्छा जो हरा चारा वो ठीक हो रहा है, यानी पशुओं के लिए चल जाएगा, हो ही जाया करेगा थोड़ा बहुत। तो बाकी जो है अभी मैं खाद की बात बता दूँ तो हमने इसमें 2 बैग सुपर के वो डाले हैं, और जो है इसमें ऊपर पानी देकर जो है इसमें चरी में 1 यूरिया, यानी 2 बैग सुपर और 1 बैग यूरिया वो डाला, और जब बरसातें पड़ जाएंगी तब जो है मैं इसमें NPK खाद वो डालूँगा। और आप कमेंट करो कि आप कौन सा खाद डाल रहे हो पॉपुलर में, हो सका तो इसमें जो है ऑर्गेनिक के बैग भी वो पॉपुलर पेड़ से पेड़ में डाले जाएंगे देसी खाद के, वरना NPK जो है बरसाती मौसम में वो पूरे खेत में डाला जाएगा। यदि आप खाद ज़्यादा मात्रा में डालते हो तो पानी का विशेष ध्यान रखें, जो यदि आपके पेड़ में खुश्की आ रही है तो खाद कम डालें, जब बारिश हो जाएंगी तब आप अपने पॉपुलर के पेड़ में जो है खाद वो डाल सकते हो। ये हमारी बाउंड्री है, ये देख सकते हो पेड़ की भी ये बाउंड्री कितनी शानदार वो ग्रोथ कर रही है, और ये पूरा का पूरा प्लॉट है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है जैसा चलना चाहिए। तो बस आज वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो नए किसान भाई हैं वो विशेषकर जो है पानी का ख्याल रखें अपने पेड़ों में,
उचित टाइम टू टाइम जो है पानी वो देते रहें। ये देख सकते हो आप हमारा ये एक पेड़ है, कितना अच्छा कूड़ा इसने कर रखा है, यानी ये सबसे बेस्ट पेड़ ये चल रहा है बाउंड्री का। देख सकते हो कितना अच्छा पेड़ ये, उधर ये हमारी खाल है, इधर से जो ट्यूबवेल आता है। यहाँ तो 25 फुट पे पानी है किसान भाइयों, कमेंट करना कि आपके वहाँ पर जो पानी है वो कितनी फुट पर है। हमारे यहाँ तो 25 फुट पर जो है पानी वो है। ये देखो लाइट अभी भाग चुकी है, तो अभी 12 बजे रात की लाइट आएगी तो फिर हम पानी दोबारा से देंगे। तो यहाँ पर देखो इस किसान भाई ने भी जो पॉपुलर है वो खेती की हुई है, देख सकते हो। विशेष ध्यान जो पानी का रखना पड़ता है इसमें, बाकी पेड़ वो अच्छे अभी ग्रोथ कर चुके हैं। ये भी देख सकते हो आप, अभी बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।